Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Hare
ओम ज्ञानतिमिरांभस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पदर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। कस्तूरि तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्र बर्मौक्तिकं करतले करीचकङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि राधा करावजित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्थली के राधाङ्गजसमुखं खङ्गाङ्गबलिके राधा विहार विविने रमता मनो मे भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रवर्णा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण वंदन जहा हई ते भक्त घननाश अभीष्ट पुराण तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम सुमनुकेतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरह कातराज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी एक बार हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सबके सब बोले, कोई बोल नहीं रहे आप। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील
नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सबके सब उपस्थित हुए हैं। सवेरे हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कहते हैं, साधारण भाग्य से ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं और ये कथा कोई सुन भी नहीं सकते हैं। बोले कथा को कौन रख सकते और कौन सुन सकते हैं? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते जब जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य उदय होता है, बोले एक जन्म नहीं बहु जन्म समर जितना। करोड़ों करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होती है तभी ये भागवत कथा कोई रख सकते हैं, फिर ये कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सारे चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़े दुर्लभ है। मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जगत में क्या दुर्लभ है? देखो ये शंकर स्वयं कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा। सतसंगति दुर्लभ भागवत कथा जो सत्संग है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सूत दारा और बीत ये पापी को भी होए। इसलिए जीवन में जो सत्संग जो ये भागवत कथा ये बड़ा दुर्लभ है। पार्वती मैया पार्वती प्रश्न करती है, दुर्लभ कहां बताओ, ये तो सुलभ है। हमारे भैरव प्रभु जी और श्री निर्मला देवी दासी उन्होंने भागवत कथा रखवाए, घर घर में निमंत्रण दिए होंगे, बैनर लगाए होंगे, भागवत कथा होगी, आप लोग आओ कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ। कहते ये दुर्लभ का ही तो सुलभ है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले आ बताए ही सारा अति कठिनाई। अति कठिनाई, देखो अगर यहाँ पर शाहरुख खान आ जाए ना और ऐश्वर्या राय आ जाए, किसको थोड़ी सी हिट पता चल जाएगी यहाँ पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय आ रहे, अब तक क्या होगा, अपना प्यार रखने का जगह मिलेगा? केवल हिट लगनी चाहिए, यहाँ पर ये हीरोइन और ये हीरो आ रहा है। देखना यहाँ पर बिना निमंत्रण के कितने लोग, यहाँ प्यार रखने की भी जगह नहीं होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर भागवत कथा हो, भगवान की कथा हो ना,
भले ही निमंत्रण दो, कोई बोलेगा देखो हम तो जा नहीं पाए, ये बड़ा काम आ गया, ये काम को निपटा करके हम आ जाएंगे। बोले तुम स्वयं निपट जाओगे, ये काम कभी नहीं निपटने वाले। संसार का काम कभी निपटता है, कभी निपटता है, स्वयं खुद ही निपट जाओगे, लेकिन तुम्हारी काम कभी नहीं निपट सकता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती गंदे काम के लिए तो सबके सब तैयारी हो जाएंगे, लेकिन कहीं सत्संग हो, भागवत कथा हो, पार्वती आवत यही सर अति कठिनाई। बिना कारण का है ना, किसको निमंत्रण करो वो बिना, अरे अमुक काम पड़ गया था ना इसीलिए नहीं आ पाए। बोले देवी जी तुम चले जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पार्वती, ये सत्संग में कोई नहीं आ सकते हैं, केवल ठाकुर जी की कृपा से ही आ सकते हैं। पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, फिर प्रभु ये बताओ फिर ये भागवत कथा में सत्संग में कौन कौन आते हैं, ये कथा में सत्संग में कौन कौन आते हैं। शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होइ, हरि कृपा पार्वती। ये भागवत कथा में वही वही आ सकते हैं जिसको पर में भगवान की विशेष कृपा हो। अति भगवान की एक डायरेक्ट कृपा और एक इनडायरेक्ट कृपा है, जिसको पर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो पार्वती वही यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे समझो आपका घर में कोई उत्सव हो रहा है, शादी हो रही, नीचे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, आप बताओ उसमें कौन कौन आएगा? उसमें आप जिसको निमंत्रण दोगे ना वही आएगा, नहीं तो सब नहीं आएंगे। आपका घर को 9 इंच दीवार के पास में एक घर है, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दिए वो आएगा? भले ही 1000-2000 किलोमीटर कोई हो ना, अगर आप उसको निमंत्रण दिए होंगे तो वही आपका घर में आ सकता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भगवत कथा कीर्तन में वही आ सकते हैं जिसको भगवान ने निमंत्रण दिया है, ठाकुर जी की निमंत्रण गया है वही केवल ये कथा में आ सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब बंसी बटुक नीचे बंसुरी बजाए, जब बंसी बजाए वहां पर तो सारे ब्रजवासी थे, उनका सखा भी, सखी है, माताएं हैं, उनका सारे परिवार के लोग थे, लेकिन बंसुरी की आवाज किसको कान में पड़ी है? भगवान जिसको बुलाना चाह रहे थे, कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे, केवल उनकी कानों में ही बंसुरी पड़ी, सबके कान में नहीं। इसलिए वहां पर केवल ब्रज की गोपियां ही और रास में सम्मिलित हुई, सब नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर भागवत कथा रूपी बंसुरी तो कन्हैया ने बजाई, बांके बिहारी तो बजाई, लेकिन यहाँ पर सबको कान में नहीं पड़ी है। किसको कान में पड़ी? आप लोग जो आए ना, जब गोप गोपी आए हो, ये बंसुरी की आवाज केवल आपकी कान में पड़ी है, और भगवान क्यों आपको भगवान बुलाना चाह रहे थे, इसलिए आप लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जो कथा सुनने के लिए आते हैं इनके ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा है, भगवान की डायरेक्ट कृपा उसको ऊपर में, तभी ये भागवत कथा में कोई आ सकते हैं। एक बार भागवत का जयकार लगा, बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की। देखो जो जितने जोर से जयकार लगाएगा ना, भगवान की थोड़ी जय है, जय तो जो जितने जोर से ठाकुर का जयकार लगाएगा उसका उतना ही जय जय होगा, और उसका अपना उतना ही पाप कटेगी। जोर से जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। अभी प्रश्न है, अगर ये 7 दिन तक हम कथा सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर यह समय जैसे 2-3 घंटा 4 घंटा हम बैठेंगे, अगर ये समय को अगर और कहीं लगाते कुछ ना कुछ तो मिलता, संसार में लगाते, बिजनेस में, नौकरी में कुछ पैसा मिलता, संसार का लाभ होता। लेकिन यहाँ पर जो हम 2-3 घंटा हम बैठेंगे कथा सुनेंगे, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों बैठेंगे? तब भागवत में ये ब्रज गोपियां और राधा रानी ये कथा की महिमा स्वयं राधा रानी बता रहे हैं। जिस समय भगवान कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां उनको ढूंढते ढूंढते मिले ही नहीं, तब ये गोपियों ने यमुना किनारा में बैठ करके एक गोपी गीत गाया। वो गोपी गीत में राधा रानी खुद कह रही हैं, अगर ये कथा हम सुनेंगे तो हमें 8 लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 8। मैं आज सुनाऊंगा क्या 8 लाभ है, और कल आपसे मैं सुनूंगा, कल मैं देखूंगा कौन मेरे को बता बता है, ठीक है? अभी ऐसे ध्यान लगा कर कथा सुने हैं, मैं कल सुनूंगा आप कौन बोल पाता है वो 8 लाभ क्या है ये कथा सुनने से हमें मिलेगी। अगर जो बोल पाएगा ना उसको मैं कल इनाम दूंगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनो, ये राधा रानी कहती है। बले तब कथा अमृता बना कथा नहीं तब कथा अमृतम। पहले ये कथा अमरत्व को जीव को प्राप्त कराता है। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज का अभिशाप लगी, सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ बैठ बैठ कर कथा सुन। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं होगी मैं भगवत प्राप्ति मेरी हो गई, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, केवल बैठो और केवल ये भागवत कथा सुनो। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि शंकर जी माता पार्वती को ये अमर कथा तो उन्होंने अमरनाथ में सुनाए थे, इसलिए कथा का एक नाम अमर कथा है। अब लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन गए अमरनाथ? कोई नहीं गए ना? हाँ, जो लोग अमरनाथ गए हैं वहां पर अभी भी वो स्थान है जहाँ शंकर जी माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाए थे। हैं? देखो इसकी कथा सुनो। बोले एक समय श्री नारद जी आए श्री कैलाश में, उसी समय शंकर जी गए हुए थे सत्संग में। नारद जी माता जी को पूछा, माता जी सब कुशल मंगल है ना? बोले बेटा तुम्हारा आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। लेकिन आप लोग को पता होगा हम कहते ना, तुम क्या नारद जी का काम करते हो? नारद जहां जाता है झगड़ा लगाते हैं, लेकिन ये झगड़ा नहीं, ये नारद जी के बगैर ना भगवान की कोई लीला ही नहीं होती है। जब माता पार्वती ने बोले मेरे को शंकर जी बड़े प्रेम करते हैं, हैं? इसलिए मैं प्रसन्न हूं,
नारद जी ने कहा देखो शंकर जी तो आपको प्रेम करते हैं, सारे बात बताते हैं, लेकिन आपको अंदर की बात नहीं बताते हैं। इतने में पार्वती बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले ये बताओ शंकर जी के गले में एक मुंडक की माला आपने देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले आपको कभी उन्होंने बताया ये मुंडक की माला क्यों धारण करते हैं? बोले नहीं। बोले इसलिए तो मैं बोलता हूँ शंकर जी आपको केवल ऊपर ऊपर से आपको प्रेम करते हैं, वो अंदर से आपको प्रेम नहीं करते। बोले देखो आज जब श्री शंकर जी आए एक काम करो, आप जाकर के मान भवन में लेट जाओ मैला कपड़ा पहन करके। शंकर जी मनाए तब भी उनको पूछना, तीन बार कसम खिला करके तब शंकर जी को पूछना, तभी बोलेंगे, नहीं तो शंकर जी बोलेंगे नहीं। इतना बोल करके नारद जी वहां से चले गए। जब शंकर जी आए रोज माता पार्वती चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी, उनको आरती उतारा करती थी, शंकर जी को बैठा करके गरम गरम रोटी खिलाया करती थी, पंखा झुलाया करती थी। लेकिन जब श्री शंकर जी आज आए देखा उनको स्वागत करने के लिए कोई है ही नहीं, और अंदर में आकर देखा पार्वती तो मान भवन में लेटे हैं। शंकर जी जब उनको ऊपर में हाथ रखे, माता पार्वती का हाथ वैसे फेंक दी। बोले क्या हो गया, क्या बात है? बोले आप तो मेरे को ऊपर ऊपर की बात सुनाते हो, अंदर की बात हम तो सुनाते नहीं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले अब पहले आप तीन बार कसम खाओ, फिर मैं आपको पूछूंगी। शंकर जी तीन बार कसम खाए। बोले बताओ कौन सा बात है? बोले आपके गले में जो मुंड की माला आप पहन रखे हो, ये मुंड की माला है किसकी? शंकर जी बोले पार्वती ये मुंड की माला तुम्हारी है। बोले मेरी, मेरे सर तो मेरे शरीर में, तुम्हारी आपकी गले में कैसे आ गया? बोले पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं है, पहले जन्म में तुम सती थी और तुम्हारी पिताजी मुझे अपमान की है, इसलिए तुमने कनखल में तुमने अपना शरीर को त्याग दी। एक जन्म नहीं, कितने जन्म से तुम ये शरीर को त्याग देती हो? जब जब तुम त्याग देती हो तब तक तेरे सर को मैंने गले में माला करके धारण कर लेती हूँ। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी तो देखता हूँ आप सबसे बड़े कपटी निकले। बोले कैसे? बोले आप ये बताइए आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान की हो, अब मर नहीं रहे हो? अब मैं मरती जा रही हूँ, मैं मरती जा रही हूँ, आप बताओ ये कौन सा अमर बोटी? देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी ये अमर बोटी को मैंने पान की है, तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। पार्वती कहती है प्रभु आप मुझे भी सुना, मैं भी अमर बन जाऊंगी, आप भी अमर बन जाओगे, फिर दोनों आनंद पूर्वक रहेंगे, लेकिन मैं मरती जा रही हूँ, आप मर नहीं रहे हो। शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा को सब नहीं सुन सकते, ये कथा को सब नहीं सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती हूँ ना। हाँ। बोले तुम्हारे अंदर में श्रद्धा भक्ति है, तुम तो कथा सुन सकती हो। बोले सुनाओ। बोले जहां तक चलो हम तुम्हें अमरनाथ लेकर के चलता हूँ, वहीं पर बटवृक्ष के नीचे वहीं पर तेरे को मैं कथा सुनाऊ। देखो शंकर भी सबको सामने की कथा नहीं सुनाई, उन्होंने माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ में कथा सुनाई, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो आज सबके सब बैठ करके वो अमर कथा को आज हम सबसे सब सबके सब बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। शंकर जी बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और तुम बीच बीच में हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले तुम कथा सुन रहे हो। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी ये अमर कथा को शंकर जी प्रारंभ करते हैं और करने से पहले एक बार उन्होंने जयकार दिया है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, उन्होंने जयकार दे करके उन्होंने ये कथा को उन्होंने प्रारंभ की। प्रथम स्कंध, दूसरी स्कंध, तीसरी करते करते दसम स्कंध तक कथा सुनाई। अभी उन्होंने मुक्ति की मार्ग कैसे जीव को मिलेगा,
जीव को मुक्ति कैसे मिलेगा, जब मुक्ति के मार्ग की बात बताने के लिए गए, इतने में माता पार्वती वहां पर सो गए। सो गए तो मैया की जो हुंकार भर रहे थे, हुंकार भरना बंद हो गया। वो भगवत इच्छा से उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, फिर शंकर जी कथा को यहीं पर विश्राम दे देंगे, फिर मेरी ये कथा भी अधूर रह जाएगी। अभी वो तोता भी हुंकार भरने लग गया, बोले बड़ी प्यारी कथा है, उसको बाद में क्या हुआ उसको बाद में सुनाओ। शंकर तो भोले बाबा है ना, वो तो कथा सुनाते ही जा रहे थे। जब कथा समाप्त तो हो गई, फिर शंकर जी जयकार लगाए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्होंने जयकार लगाए, मैया पार्वती का नींद खुल गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले ये तो कथा तो समाप्त तो हो गई। बोले नहीं, मैं तो बीच में सो गई थी। बोले कहां सो गई थी, अभी तो हुंकार भर गई थी। बोले नहीं, मैं बीच में सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये भागवत कथा नहीं, ये अमर कथा है। आप लोग गीता पढ़े होंगे, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये गीता की ज्ञान की बात दी, लास्ट में कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन मैंने जो ये गीता की ज्ञान तुम्हें दी है, बोले ना अभक्ता है कदाचन, ये अभक्तों को कथा नहीं सुनाना, भगवान खुद मना करते हैं। हम भागवत में भी सुनेंगे, भगवान कपिल देव जब माता देहूति को ज्ञान दी, लास्ट में यही बात कहते हैं, बोले दुष्टों को मेरी कथा नहीं सुनाना, अभक्तों को नहीं सुनाना, सुनाना तो मेरे भक्तों को ही कथा सुनाना। शंकर जी ने देखा, फिर ये कथा को सुनी किसी ने, क्योंकि ये कथा का नाम अमर कथा, जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। अगर कोई दुष्ट अगर ये कथा सुन ली, अगर वो अमर हो गया, फिर तो दुनिया के लिए हानिकारक है। इसलिए शंकर जी चारी तरफ में देखने लगे, देखा वो वृक्ष को ऊपर में पत्ते को आड़ में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया, तुमने ये ब्रह्म ज्ञान को छुप करके तुमने चोरी करके कथा सुनी। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो कथा है ना, चोरी करके कथा नहीं लेनी चाहिए। कथा सामने बैठ करके, ये ज्ञान की बात को सामने बैठ करके सुननी चाहिए, चोरी छुपे ये कथा नहीं सुननी चाहिए। शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उठाया त्रिशूल और वो तोते को पूछे, उन्होंने पीछा की। तोता जहां जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे करते 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 तोता जब बद्री का आश्रम पर पहुंचा, देखा वहां पर भी श्री व्यास देव अपना पत्नी को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे, और वो भी कथा सुनते सुनते ऐसे मुंह खोल करके आश्चर्य में कथा को सुन रही थी। और तोता वहीं पर पहुंचा, सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी पत्नी की गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा तोता यहीं तक आया, लेकिन यहीं कहे पर गायब हो गई। व्यास देव जी ने पूछे, शंकर जी कहां से हाँपते हाँपते आ रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया है। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या है? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले ये तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुनी। बोले आप सचमुच से भोले ही हो, आप जब स्वयं कहते हो ये तोता कथा सुन ली, ये कथा नहीं ये अमर कथा, फिर आप मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? वो कथा सुन ली ना। शंकर जी ने देखा बात तो सही है, अभी तक तो मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई। शंकर जी सोच रहे हैं ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, अगर ये साधारण तोता होता तो कभी भी बैठ करके 7 दिन तक कभी कथा नहीं सुन सकता है। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए ना कथा सुनने के लिए, आप लोग भी साधारण नहीं है। अगर साधारण होते तो और यहाँ आकर के बैठ कर कभी कथा आप लोग कभी नहीं सुन सकते हो। इसलिए शंकर जी ध्यान लगाए ये तोता कौन है,
फिर उन्होंने अपना ध्यान में उनने सारी चीज को उनने देखा है। बोले ये तोता कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभान जाया पवित्र चो प्रिय चो बनेना एकांत कन्ना पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते सही एक बड़े भक्त हुए जिनका नाम कवि कर्णप, वो कहते हैं कदी ये तोता कोई साधारण नहीं। बोले तोता कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभान जाया। कदी ये श्री राधा रानी की ये प्रिय तोता है जिसको राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके आना रखी दाना खिलाया करती थी और कृष्ण नाम उसको पढ़ाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये तोता ये उड़ते उड़ते बरसाना से ये नंदगांव चला आया और एक वृक्ष को पर बैठ करके बड़े सुंदर राधा रानी की भजन गा रहा था। बले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम
अभी कृष्णा सखाओं के साथ में खेल रहे थे, अभी ये आवाज सुनकर कृष्णा चौंक उठे, एकदम राधा रानी की गला की आवाज जैसे। बोले भैया इतना सुंदर राधा जी का नाम कौन ले रहा है? देखा एक तोता बैठा, तोता ये नाम ले रहा था। कृष्ण तोते को बुलाया, वो तोता आकर के कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बताओ तो अभी तू क्या बोल रहा था? वो बड़ी सुंदर मीठी मीठी गला में राधा जी ने एक श्लोक सुनाया था, कृष्ण विरह में कैसे राधा रानी व्याकुल है और कृष्ण से वो मिलना चाह रहा है। वो चार लाइन का एक संस्कृत श्लोक था, वो तोता ने पूरा रट लिया था। एकदम राधा रानी की गला की आवाज जैसे बोला। बोले वाह, एक तोता होकर के संस्कृत श्लोक उच्चारण करता है और राधा रानी की गला की आवाज जैसे। कृष्ण ने एक सोने का पिंजरा बनाया और उसमें रख दिया। अभी राधा रानी एक सखी को भेजा जिसका नाम थी माधुरी का। बोले देखो तो मेरे तोता कहीं कहां चला गया। उसने देखा कृष्ण अपना हाथों में बैठा करके अनार की दाना खिला रहे हैं, बड़े सुंदर कृष्ण नाम राधा जी का नाम को बढ़वा रहे हैं। वो सखी बोली श्याम सुंदर ये हमारी राधा जी की पालता तोता दे दो। कृष्ण बोले अगर राधा जी की पालता तोता है तो बुलाओ, मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारी हाथ में चले गए फिर समझूगा तेरा तोता तुम ले जाना। बोले कृष्ण ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा पशु हो जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठे और तुम उसको आनंद दो, उसको लाड लड़ाओ, अपना हाथों से खिलाओ, तेरे को कभी छोड़ सकता है वो व्यक्ति? इसलिए तुम्हारा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या है? क्री मतलब होता है आकर्षण करना और स्ना मतलब होता है आनंद देना। सारा दुनिया को तू आनंद देने वाला, तेरे को कौन छोड़ेगा? बोले फिर तो ये तोता मेरी, फिर तुम जाओ। वो मैया जसोदा के पास में जाती है, बोले मैया हमारी राधा जी की पालता तोता उड़ते हुए आ गया और श्याम सुंदर पकड़ लिया, देना नहीं चाहता है। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने जाएंगे पीछे से मैं वापस भेज दूंगी। फिर पीछे से वापस भेज दिया। जैसे भगवान राम जब ये संसार छोड़ करके गए, केवल एक व्यक्ति को इस जगत में छोड़ कर गए थे। आप बताओ तो किसको छोड़ कर गए थे? भगवान राम तो पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को साथ में नहीं लिया। किसको साथ में नहीं लिए थे? हाँ, श्री हनुमत लाल को नहीं लेकर गए। बोले क्यों? बोले अगर तुम चले जाओगे फिर मेरे भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा? ठीक उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ कर गए, ये तोते को ही प्रभु छोड़ कर गए थे। बोले अगर तुम चले जाओगे तो फिर ये कथा को मेरी भक्ति कौन प्रचार करेगा? इसलिए ये तोता बड़ा दुखी होकर के भटक रहा था। जब ये भ्रमण करते करते पहुंचा अमरनाथ में, देखा श्री शंकर जी भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुना रहे। फिर वही उसी वृक्षों को पर बैठ करके पूरी भागवत कथा सुनी। शंकर जी ध्यान लगाए, अगर ये साधारण तोता होता तो कभी कथा सुन नहीं सकता था, इसलिए वही तोता ही श्री व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हुए फिर वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आएंगे और जगत में हरि भक्ति को भागवत कथा को सर्वत्र प्रचार करेंगे। शंकर जी ध्यान में सब कुछ उन्होंने दर्शन किए, फिर समझ गए मेरी कथा सुनाना सार्थक हो गया तोता को। फिर शंकर जी वहां से चले गए। हाँ देखो, कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? इसलिए राधा रानी कह रही है, बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारी ये कथा नहीं तब कथा अमृतम, ये जो ये कथा को श्रवण करेगा उसको ये अमरत्व की प्राप्ति करेगी। देखो आप और हमारी बात छोड़ दो, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा को सुन करके ही मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। अब माता पार्वती को जब कथा सुनाए, जिस कथा सुन करके माता पार्वती भी ये अमरत्व को प्राप्त करती है, तब समझो
ये भागवत कथा की कितने महत्व है ये भागवत कथा को अगर आप और हम भी सुनेंगे ना, हम भी एक दिन भी ये कथा सुनकर के अमरत्व को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करेंगे, ये पहला लाभ है। ठीक है, बोले दूसरा लाभ क्या है आप लोग गिनना, मैं कल में पूछूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा कल मेरे कौन बोलता है। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है, बोले तब कथा अमृता बना कभी भी इसका मतलब है हम संसार में सबके सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं। इसलिए कृष्ण जिसने दुनिया को बनाया ना, वो खुद कहता है ये संसार दुखा लयम असाशत, ये एक दुख का घर है, ये एक दुख का घर है ये संसार। लेकिन श्री राधा रानी कहती हैं तप्त जीवनम, ये संसार में जो हम दुखी 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 दुखी, अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो उसका दुख समाप्त हो जाएगा, उसका सारे दुख समाप्त हो जाएगा। अब देखो अभी अभी आप अनुभूति करो, जैसे हम यहाँ पर 2 घंटा बैठेंगे कथा सुनेंगे, आप देखना 2-3 घंटा बैठकर कथा सुनेंगे, हम संसार में सब दुखी तन से मन से धन से परिवार से, लेकिन अभी आपको कोई दुख याद आ रही है, कोई संसार का दुख तुम्हें याद आ रही है? आप देखना ये कथा से पैंडल से निकलने का साथ साथ सारे दुख पहाड़ जैसे आकर सर पर बैठ जाएगा। घर में जाने पर ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, लेकिन जब तक आप कथा में बैठोगे ना, संसार का कोई दुख आपको सता नहीं सकती है। इसलिए जो कथा में बैठते हैं, जानते हो कहाँ बैठे हो? कथा में नहीं बैठे हो, ठाकुर जी गोद में बैठे, ठाकुर जी की गोद में हम बैठे हुए यहाँ पर है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं आयुर हरति वही फुलसान उद्धन अस्तंच जनसो। सुतो गोस्वामी कहती है ये सूरज नहीं ये काल है, ये सूरज नहीं ये काल है। जैसे पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में जब अस्त हो जाती है, एक दिन का परमायु ये हमारी नष्ट कर देती है। हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे हैं सबके सब। लेकिन सुतो गोस्वामी कहते हैं सबका काल को तो ये काल हरण कर रहा है, लेकिन किसका काल को हरण नहीं कर पाता है? बोले तस्सरिते जम खनम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति भजन करते हैं, उसको ऊपर में ये काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर किसी समय किसकी मृत्यु आ जाए ना, जो कथा सुन रहे हो, अगर किसी समय किसकी मृत्यु आ जाए, आप देखना जब तक ये कथा में आप बैठ रहे हो ना, जमदूत का हिम्मत नहीं यहाँ पर किसको उठा कर ले जाएगा। क्यों? आप कथा नहीं श्री बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, कथा रूप में श्री भगवान की गोद में बैठे हो। इसलिए कथा सुनने का दूसरी लाभ है जीवन का जितने दुख है तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। बोले कथा का जो तीसरा लाभ है, बोले कलमस अपह। कलमस मतलब होता है पाप। इसी जीवन में हम जो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? हमारी प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे कर्म की, वो कर्म का अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रारब्ध ऐसे की चीज है ना, बड़े बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तुमको पूर्व जन्म का पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहती हैं ये प्रारब्ध को कौन खंडन कर सकता है? बोले भगवान की कथा, भगवान की
भक्ति यही केवल खत्म कर सकती है। इसलिए वाल्मीकि जैसे पहले दशरथनाकर था, इतना बड़ा पापी था, लेकिन मराम राम कल उल्टा नाम लेते लेते हैं कितना उल्टा नाम जपत जगे जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम लेते 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 ठाकुर जी की वाल्मीकि बन गया दशरथनाकर, रामायण लिख दी। इसलिए तीसरा लाभ क्या है, जितने पाप है वो सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगी। बोले चौथा लाभ क्या है, बोले कभी भी रीडितम, कहती ये कथा को गाने वाले कौन है, इसका नाम है भागवतम। ये ग्रंथ का नाम क्या है, श्रीमद भागवतम। बोले भागवतम का मतलब क्या है, बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, जो साक्षात भगवान की ये मुखार बिंद से ही निकला। भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोक के रूप में दिए, फिर ब्रह्मा जी व्यास देव को दिए, व्यास फिर दिए उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी श्री सुतो गोस्वामी को देते हैं, सुतो गोस्वामी श्री सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम ये कथा कहाँ से निकली, ठाकुर जी की मुखार विद से निकली है, भगवत मुखार विद से कथा स्वयं निकली है। इसलिए कथा को बड़े बड़े ऋषि लोग जिसको गान करते हैं, कहते इसका पंचमा लाभ क्या है, बोले कलम श्रवण मंगलम, ये कथा को जो श्रवण करेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम सारे अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। कथा सुनने का साथ साथ ही समझो जीवन का जितने अमंगल सब खत्म होना शुरू हो गया, सारे जीवन का अमंगल तुम्हारी खत्म हो रहे हैं और जीवन में मंगल और मंगलमय हो रहा है। देखो आपके लिए छोटी सी कथा सुनाता है, अब ध्यान से सुनो, ये रामायण की कथा है। स्वयं वाल्मीकि जी रामायण लिखने से पहले ये भगवत कथा की महिमा वाल्मीकि सुनाते हैं। अगर अनजान में आपको पता नहीं ये कथा बता क्या होता है, भूल से कैसे आकर के ये कथा में बैठी है, भूल से भी कथा में बैठी जाओ तो वाल्मीकि कहते सुनो ये कथा को सुनो। कहते पृथ्वी में एक राजा और रानी थे जिनका नाम था सुमति और सत्यवती, लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी ये कथा को ध्यान देकर सुनो, इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। भक्ति क्या चीज है, हम कहते ना हर भजन करने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है, देखो ये कथा से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। कहते ये राजा रानी दोनों देश का राजा रानी होते हुए भी उनके घर में राम दरबार था, ये दोनों अपना हाथों से ठाकुर जी की सारे सेवा करते थे, श्रृंगार करना, ठाकुर के लिए सुंदर माला बनाना, ठाकुर के लिए प्रसाद बनाना, ये अष्टजाम भगवान की सेवा करते थे। अगर ज्यादा समय मिले राजा स्वयं बैठ करके रामायण पढ़ते थे, सामने रानी बैठ करके रामायण सुनते थे। अगर और थोड़ा ज्यादा समय मिले, मेरे तरफ में देखो, उनको पास में इसे माला की झोली थी, राजा रानी दोनों बैठ करके भगवान के नाम जप करते थे, बल्ले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम।
पत्नी पत्नी बैठ करके माला जप करते थे। एक समय बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था विभांड ऋषि। एक दिन विभांड ऋषि राजा रानी की भक्ति देख करके चौंक पड़े। बोले बड़े बड़े संतों को जीवन में भी इतने आवेश भक्ति में दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास में पैसा होना, भले ही एक मंदिर हमने बना दिए, खुद सेवा पूजा करेंगे, एक नौकर को रख लेंगे वहां पर पुजारी, अब खुद घूमते रहेंगे। लेकिन आप राजा रानी होते हुए भी अष्टजाम 24 घंटा प्रभु की भक्ति। इतने में ऋषि राजा रानी से प्रश्न की, आपकी मति ऐसे कैसे हुई? बोले देखो नियम है, अपना भजन कथा ना कही हुई जथा तथा। हाँ ध्यान देकर सुनो, इसका मतलब है अपना जो भक्ति की बात है ना, सबको नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कोई बढ़िया स्वप्न देखा ठाकुर जी को, सबको मत कहा करो अरे हमने इसे ठाकुर नहीं। जो वो व्यक्ति वो चीज समझेगा उसको ही बताओ। जैसे तैसे व्यक्ति को बोलने से वो भक्ति अंदर से वो खत्म हो जाएगी, सबको नहीं बोलनी चाहिए बात। राजा रानी ने बोले महाराज बाबा अभी तक ये रहस्य हमने किसको बताया नहीं, चूंकि आप संतो हो, संतों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। क्यों? संत ही फिर हमें प्रेरणा देते हैं आगे क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहला बार मैं आपको बता रहा हूं, मैं जाति स्वर हूं। जाति स्वर का मतलब होता है जिनको पूर्व जन्म की बात याद रहे। कहते मेरे को 4 जन्म की बात मेरे को याद है। बोले 4 जन्म की बात याद? बोले हाँ। बोले क्या याद है? वो बताए मैंने 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालती, बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई गंधा काम मैंने जिंदगी में नहीं किया। सारी गंधा मैंने काम की, डाकू डालना, मांस खाना, मदिरा पीना, चोरी करना, सारे काम मैंने की। एक बार मेरे परिवार मेरे से घर से निकाल दिया। मेरी जो पत्नी देख रहे हो रानी, इसका नाम थी काली, इसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी थी, इसको भी घर से निकाल दिया। दोनों हम भटकते भटकते जंगल में मिले, देखा अकेला जीवन बीत नहीं रहा है, फिर दोनों इकट्ठे रहने लगे और जानवर को मार करके अपना जीविका निर्वाह करते थे। दोनों जब बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हमसे आहार संग्रह नहीं हो पा रहा था, बड़ी कष्ट से अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। हम जहां रहते थे उसको पास में था श्री वशिष्ठ जी के आश्रम। एक दिन हम लोगों ने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए। हमने कहा भैया यहाँ पर आज इतने लोग क्यों आए? हम वहां पर गए, हम लोग ने सुना अभी श्री रामनवमी आ रहे हैं, यहाँ पर श्री रामायण की 9 दिन तक कथा होगी, जो कथा सुनने आएंगे कथा के बाद में उनको प्रसाद मिलेगा। हम दोनों तो खुश हो गए, अभी तो 9 दिन के लिए खाने पीने का कोई चिंता नहीं, केवल कथा में आओ बैठो, कथा के बाद में प्रसाद मिलेगा। हम दोनों पति पत्नी केवल प्रसाद के लोभ से वहां पर 9 दिन तक कथा सुने और भगवान की हमने प्रसाद पाए। जब हमारी दोनों की मृत्यु हुई, अभी चित्रगुप्त को पास में जमदूत लेकर खड़े कर दिए। जब महाराज बोले इनका कापी खोलो कितना पाप और पुण्य, चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये दोनों ही बड़े दुष्ट है, दोनों ही बड़े दुष्ट है, सारा जीवन उन्होंने केवल दुष्टा भी किया है। बोले थोड़ी पुण्य तो होगा, देखो ठीक से। बोले उन्हें कापी खोलते खोलते बोले इनकी थोड़ी सी पुण्य है, ये वशिष्ठ जी के आश्रम में प्रभु राम की कथा हो रही थी 9 दिन तक, केवल उन्होंने 9 दिन तक ठाकुर जी की कथा सुने और कथा के बाद में ठाकुर का प्रसाद पाए, केवल इतना पुण्य। देखो क्या कहता है। बोले हमें ये बात पता नहीं था भगवान की कथा में इतने पुण्य होता है। जब महाराज ये बात को सुने, मेरे सामने जीवन का जितने पाप को उन्होंने काट दिए, सारे पाप को हमें काट दिए, काट करके हम दोनों को रमा बैकुंठ 100 साल के लिए हमें भेजे और वहां पर इतने ऐश्वर्य भोग किए, आपका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसको बाद में फिर हमको ब्रह्मलोक में भेज दिया गया, वहां पर भी राजा रानी बन करके वहां का भी 100 साल तक ऐश्वर्य हमने भोग किया। उसको बाद में फिर स्वर्ग में इंद्र और इंद्राणी बने 100 साल के लिए, स्वर्ग का सारे ऐश्वर्य को भोग की
और इसको बाद में फिर 100 साल के लिए हमें ये बढ़ते जगत में भेजा। हमारी ठाड़वाड़ तो देख रहे हो, अभी देश का राजा रानी, हमें 4 जन्म की बात याद है। अगर अनजान में ठाकुर की कथा कोई सुन ले, भगवान की प्रसाद को कोई अगर सेवा करे, अगर उसका इतने पुण्य हो सकता है। इसलिए हम दोनों राजा रानी समय को नष्ट नहीं करते हुए अष्टजाम हम ठाकुर जी की कीर्तन, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रसाद बनाना, ठाकुर जी की नाम कीर्तन करना और हम रामायण सुनते, इसलिए हम समय को नष्ट नहीं कर रहे। इसलिए आप लोग जो यहाँ बैठे है ना, जो आप लोग 7 दिन तक कथा सुन रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हैं इसका इतने पुण्य है। जब ऊपर जाएंगे ना, जब कापी खोलेंगे, आपको पूरा के पूरा ये निकलेगा। आप लोग बैठ करके 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया गया। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की जय, जय श्री राम। इसलिए राधा रानी कहती है श्रवण मंगलम, ये कथा को जो श्रवण करेगा जीवन में मंगल और मंगल होगा। कितना लाभ हुआ अब लोग गिन रहे कि नहीं बताओ तो, कितना लाभ हुआ? कौन बोल रहा है? हाँ ये बच्चा गिन रहा है, कितना लाभ है? 5 5 मैंने बोला है, 5 लाभ है। कहते तो उसका छठवां लाभ क्या है? बोले श्री, श्री मतलब होता है पैसा, लक्ष्मी। जो कथा सुनेगा ना, माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है उसके ऊपर में, घर में खूब पैसा आए है। क्योंकि लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां पर नारायण रहते हैं, लक्ष्मी उनकी चरण की सेविका है। इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति कथा सुनते हैं उसको ऊपर में माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है। और श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब होता है जस है। जो भगवान की कथा सुनेगा जगत में उसका जस भी फैलेगा, उसकी महिमा भी फैलेगी। और दा मतलब होता है बंधन का समाप्त, दा मतलब होता है काटना। जो भगवान की कथा सुनेंगे संसार का जो बंधन है ये सारे बंधन तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती है भूरी दा जना, जगत में सबसे बड़े दानी कौन है? कहते जो ये श्रीमद् भागवत कथा को दान करते हैं। जो भैरव प्रभु यहाँ पर है कि नहीं? प्रभु जी का कहाँ है? पिताजी घर में क्या कर रहे? पूजा कर रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ? नहीं, ये पूजा की कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा पूजा है कथा सुनना। ये कथा से ज्ञान होगा, पूजा करने से क्या होगा? ये कथा सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। ये राधा रानी कहती है सबसे बड़ा दान क्या है, इसलिए उनको सामने बैठ करके परीक्षित बैठ करके उनको कथा सुननी चाहिए। जब तक कथा की ज्ञान नहीं होगी ना भजन की, तब तक आप भजन नहीं करोगे, आप लोग भजन नहीं करोगे। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी सुने परीक्षित बैठकर कथा सुने कि नहीं, कई पूजा कर रहे थे, इसलिए सारे पूजा को छोड़ करके ये कथा में बैठनी चाहिए। राधा रानी खुद कहते हैं ये कथा जैसे आप लोग सुन रहे हो, आप 7 दिन देखना, आपको इतने ज्ञान होगी, इतने ज्ञान आपको होगी, फिर भजन में आपके मन लगेगी। इसलिए सारे काम को छोड़ करके जब कथा हो कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। देखो ये भागवत का श्लोक है, कहते भगवान की कथा है, कहते विश्वक्षण कथा सुचो न उत्पात यदि रति। देखो ये श्लोक भागवत का, श्रम एव ही केवलम, कहते सारे चीज में तुम्हारी रुचि है लेकिन कथा में तुम्हारी रुचि नहीं, कहते सारी चीज तुम्हारी जीरो हो जाएगी। श्रम एव ही केवलम, वो केवल परिश्रम परिश्रम है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मूल है भगवान की कथा में मन लग जाए, इससे बड़ा साधन जगत में कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने आपको पहला दिन में ये सब कथा की महिमा बता रहा हूँ। ये कौन बता रही है? आप और मैं नहीं बता रहा, ये राधा रानी स्वयं गोपी गीत में ये कथा की महिमा ये राधा रानी खुद बता रही है। खुद ये राधा रानी ये गोपी गीत में ये कथा की महिमा राधा रानी बता रही है। इसलिए कहती है जगत में बहुत बड़े बड़े दान है, जगत में बहुत बड़े बड़े दान है लेकिन कथा की जो दान है इससे बड़ा दान जगत में और कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा दान है। इसलिए आप लोग जो ये श्रीमद् भागवत कथा को जो करवा रहे हो, समझना ये सबसे बड़ा ये पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ
है ही नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को कि डाल डाल और पात पात पर श्री राधे वृंदावन मकरंद है रस की करत रसपान दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा श्याम सुजान। तो आप लोग वृंदावन कौन कौन गए हैं हाथ उठा के बताएं। दस चार पांच जने गए। तो वृंदावन आप जो जो लोग गए हैं देखे होंगे वृंदावन में कहीं से भी लोग जाते हैं तो अपने संग में कीर्तन मंडली और नाचना कूदती हुए। तो आप लोग यहाँ सभी लोग नाचते कूदते भय ताली बजाते हुए चले गए। वृंदावन जाना है किस किस को जाना है वृंदावन सबको जाना है जाना। कोई कोई हाल उठा नहीं रहे वृंदावन जाने से कुछ होना हो जाए। तो प्रेम की भूमि है वृंदावन बेड़ी टांग वालों का। आइए सभी लोग ताली बजा कर जाएंगे और जो ठोक का नाच सके वो नाचेंगे। हरे वृंदावन धाम I'm not afraid.
दे देगी हम लोग राजस्थान दिल्ली और इधर हरियाणा पंजाब सब जगह जाते उधर शुरू होते ही नाचना शुरू हो जाता है तो मुझे उत्तराखंड ज्यादा मतलब नहीं है कम आया है हम लोग भी इधर कोई नाच नहीं कर क्या हरे कृष्ण देखो इधर सर आपका ठाकुर का कीर्तन में नाचने का कितना पुण्य है ये पद्म पुराण का कथा है अध्यात्म से करते हैं देखो ठाकुर को नाचने में कितना पुण्य ये पद्म पुराण की कथा है देखो एक समय कार्तिक का महीना थी ध्यान देकर सुनो वो कार्तिक का महीना थी किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया जलाने दिया था वो दिया धीरे 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 बुझने जा रही थी एक चूहा ने वो तेल खाने की लोभ में आ गया जब वो तेल पी रहा था इतने में उसको दांत में लग गई बत्ती बत्ती लगते मुंह में थोड़ा आग लग गया आग लगते वो पीछे हटा पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी हो गई तेज और चूंकि उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई उसने तीन चार बार छलांग लगा दी देखो ठाकुर जी कितने दयालु ठाकुर कितने दयालु बोले कार्तिक का महीना था और दिया बुझने जा रहा था उसने क्या किया दिया को तेज कर दी मानो मुझे आरती दिखाए और दो चार बार छलांग लगा दी मानो मेरे को आरती दिखाते हुए उसने मेरे सामने नृत्य किया है देखो इसका फल क्या है अगले जीवन में वो चूहा राजा घर में राजकुमारी बनकर के जन्म राजकुमारी बनकर के और उसके हृदय में बांके बिहारी के प्रति भक्ति बनी रही और उसने भक्ति करते 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 उसने लास्ट में कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी रूप में तब उसको जन्म दिया एक चूहा अगर अनजान में दो तीन बार छलांग लगाने पर इतने फल मिलता है अगर आप भाव से अगर ठाकुर का कीर्तन में नाचोगे ना आप सोच नहीं सकते ठाकुर क्या देने वाले देखो हम दुनिया में सब नाच रहे हैं कौन नहीं नाच रहा है बताओ तो कोई पत्नी को सामने नाचता है कोई पति के सामने नाच रहा है कोई बेटा का सामने कोई बेटी के सामने कोई सास के सामने कोई हम सबके सब दुनिया में नाच ही रहे नाच रहे कि नहीं फिर तो प्रभु को भूल करके 84 लाख जमीन में हम नाच ही रहे हैं बोले कब तक ऐसे नाचते रहेंगे बोले तब तक नाचेंगे जब तक हम ठाकुर जी की कीर्तन में नहीं नाचते हैं अगर ठाकुर का कीर्तन में नाचाना सारे नाचना हमारी बंद हो जाएगी है ना आप देखना जब शादी हो ना शराब पी करके उल्टा सुल्टा फिल्म के ऊपर में गंदी गंदी फिल्म के ऊपर शराब पी करके मेन रोड में नाचते हैं जिसका कोई हल नहीं और भगवान के दरबार में ठाकुर के दरबार में हम सोच नहीं सकते ठाकुर का कीर्तन में नाचोगे तो कितना पुण्य आपको मिलेगा बहुत पुण्य मिलेगा इसलिए खूब जोर नाचना ठीक है वृंदावन I'm just a little bit of a
Let's go.
देखो एक व्यक्ति कब नृत्य करता है बताओ तो, इतने आनंद हो जो हृदय में समाये नहीं, तभी नृत्य करता है ना। दुख में कोई नहीं नाचते, सब सुख में नाचते हैं। और सबसे ज्यादा सुख किस में है? भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में। तभी कोई व्यक्ति नृत्य करेगा, इतने आनंद हृदय में हो जो हृदय में समाये नहीं, वो ऊपर निकलता है भगवान की नृत्य रूप में। ठीक है, बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो कल पिताजी को बोल देना कि कथा से पहले ना जो पूजा करते हैं वो सारी कथा से पहले समाप्त हो जानी चाहिए। देखो भागवत में जितने नियम बताए, सवेर सुन रहे थे ना कथा, कैसे सुनो बिना खाए पी, उसके बाद में बोले घी पी करके, तीसरा उपाय बोले फल खा करके, चौथा उपाय बोले एक बार फलाहार एक बार भोजन, लास्ट में क्या बोले कुछ भी जरूरत नहीं। अगर इसमें भी दिक्कत होता है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा सुनो। इसलिए जितने नियम भागवत में है उसका, भागवत में नियम है कथा सुनना सबसे बड़ा नियम है, इससे बड़ी नियम जगत में और कुछ नहीं। कथा क्यों रखा गया? जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, और कुछ हो रहा था वहां पर? कुछ भी नहीं हो रहा था, केवल परीक्षित महाराज सुनकर कथा सुन रहे थे, क्योंकि कथा में ही सारी ज्ञान है। आप स्वयं देखोगे 7 दिन जब समाप्त हो जाएगी ना, आपका हृदय में इतने आनंद समाएगा, आप देखोगे आपका जीवन एक देवता से भी श्रेष्ठ जीवन बनेगा। क्योंकि भागवत में इतने कथा, इतने सुंदर सुंदर कथाएं। इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो केवल कथा ही सुनो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, मना करती बोले बैठो और भगवान की केवल कथा ही सुनो। कथा के लिए कितने सारे नियम है, अगर हम नियम में बंध गए और असली चीज नहीं तो बताओ किस चीज की सारी चीज, किस चीज किस लिए सारी चीज है? मूल है भगवान की कथा, कथा में रुचि हो जाए हमारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले भागवत कथा की जो महिमा, ये दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, ये दो पुराण में ये भागवत की कथा की है। हम कोशिश करेंगे दोनों पुराण की कथा थोड़ी थोड़ी सुनने के लिए। ठीक है, अभी हम जो कथा सुन रहे हैं ये पद्म पुराण की महिमा है। इसकी मंगलाचरण श्लोक में बताए, बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो तीन चीज से भगवान के स्वरूप बना हुआ है, सत चीत और आनंद है। और जीव कौन है? कृष्ण गीता में कहते हैं बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं जगत में जितने जीव है वो सारे जीव भगवान की संतान है, सबके सब हम भगवान के औलाद हैं। और भगवान सत चीत आनंद भगवान का स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। होने का नाते हम सब भगवान की संतान है। देखना जिंदगी भर हम यही तीन चीज को ही ढूंढ रहे हैं। पहला नंबर क्या है? सत्य, भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए जगत में कोई मरना चाहते हो? कोई मरना नहीं चाहते, क्यों? भगवान नव किशोर नटवर है, भगवान अजर अमर सत चित आनंद स्वरूप है। इसलिए हम भी वही सत चीज ढूंढते हैं, हमें अमर बनना चाहते हैं। एक बाल पक जाए ना हम उखाड़ देते हैं, चवनप्राश खाते हैं, जीव में जाते हैं कि किसलिए? कारण है हम कोई बूढ़ा बूढ़ी बनना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहते, क्यों? हम भगवान की संतान है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जिंदगी भर हम उसी ज्ञान, कोई एमए कोई पीएचडी कोई डिलीट कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों? भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति को बोल दो ना तुम्हारे दिमाग में, बोले मेरा नहीं ना तेरा नहीं, क्यों? कोई भी अपना को मूर्ख मानना नहीं चाहते, कारण क्या? भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए जिंदगी भर हम जो कुछ कर रहे हैं वो आनंद के लिए करते हैं। अभी प्रश्न है, अभी ये चीज हमें मिलेगा कैसे? हम सबके से तो ढूंढते हैं,
लेकिन हमें मिलता नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। इसमें तीन वार आता है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मतलब जीव आनंद ढूंढता है, लेकिन उसको जहां ढूंढनी चाहिए ना वो वहां नहीं ढूंढ करके वो गलत जगह पर ढूंढ रहा है। हम आनंद कहां ढूंढते हैं? संसार का, दुनिया में। दुनिया में आनंद ढूंढते हैं, और जो स्वयं एक दिन मरने वाले, नष्ट होने वाले, वो आनंद कहां से, वहां से हम मिल सकती है? जो आनंद स्वरूप है, जो रस स्वरूप है, जिसको वेद कहता है रस बैस रसम जवायाम लब्धानंद भवती। रस स्वरूप आनंद स्वरूप कौन है? बोले भगवान है। अगर मन में आनंद पाना चाह तो क्या करो? श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान की शरण में जाओ। किसको चरण में? श्री कृष्ण की चरण में। बोले केवल कृष्ण नहीं, बोले श्री, श्री मतलब श्री राधा रानी। बोले श्री राधा कृष्ण की शरण में जाओ, तभी वो आनंद प्राप्ति होएगी। बोले सचिदानंद रूपाय, बोले विश्व उत्पत्ति कारण, विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि और स्थिति प्रलय करने वाले कौन है? बोले भगवान ही। बोले तापत्रय विनाशाय, बोले जगत में आने पर हमें तीन तरह का जो ताप है, दुख है, हमें ये तीन तरह का दुख भोगना पड़ता है। वो तीन तरह का दुख क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैवी और आदि भौतिक। आध्यात्मिक की मतलब क्या है? जो मानस की कष्ट है। आदि दैवी की मतलब जो देवताओं को द्वारा दिया हुआ, जैसे कभी बहुत बारिश हो गई, कभी बारिश हुई नहीं, कहीं भूचाल आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं फ्लू आ गई, कभी ये देवताओं को द्वारा दिया हुआ है। आदि भौतिक मतलब होता है एक जीव से, एक जीव को जो दुख मिलता है, सांप काट दिया, मच्छर काट दिया, जैसे अभी कोरिया जैसे धमकी दे रहा है अमेरिका को, चाइना धमकी दे रहा है भारत को, देश देश में एक जीव जीव में लड़ाई, मुसलमान क्रिश्चियन और सब हिंदू अंदर में एक जीव को, एक जीव का जो दुख है। कभी ये संसार में ये तीन तरह का दुख है, लेकिन ये सारे दुख कब समाप्ति होगी? बोले जब भगवान की शरण में हम जाएंगे। जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें ये सुख कभी मिल नहीं सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। हरि से विमुख होकर के हम कितने पैसा कमाएंगे? हम सोचते हैं शायद पैसा कमा कमा करके ना सुखी हो जाएंगे, बढ़िया लड़की से शादी करके सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बेटा जन्म देकर सुखी हो जाएंगे। रावण जैसे इतना बड़ा धनी भी हो सकता है? सोने की लंका, सोने की लंका। हमारे पास में कितना सोना हो सकता है? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो। लेकिन रावण का सब कुछ लंका, डाइनिंग रूम लंका, किचन रूम लंका, उसके बाथरूम ये सोना, सब सोना ही सोना ही सोना ही है, सोने की लंका। उसकी पत्नी का नाम, रावण का पत्नी का नाम मंददरी। मतलब जानते हो मंददरी क्या है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर। वो किसकी बेटी थी? वो बेटी किसकी थी? विश्वकर्मा की बेटी। उसने सारी अच्छे अच्छे गुण देकर बेटी की जन्म दी थी, वो विश्व सुंदरी, उस विश्व सुंदरी थी। बेटा कौन था? बोले मेघनाद जैसे, इंद्रजीत जैसे बेटा, लेकिन इतने ऐश्वर्य में भी उसको शांति नहीं मिली, सुख उसको नहीं मिली। जब हनुमान जी को बांध करके ले गया मेघनाद, उसने देखा उसको पिता जिसको घर में झाड़ू लगा रहा था, देखा अग्नि उसको घर में कपड़ा धुला कर रही थी, देखा काल को प्यार के नीचे दबा करके बैठा हुआ था, सारे ग्रह नक्षत्र, जिन ग्रह नक्षत्र को हम पूजा करते हैं सबको बांध करके वहां पर रखा था, जिसको हनुमान देख करके तंग रह गया, हे भगवान क्या ऐश्वर्य इसके पास में, तब भी उसको शांति नहीं मिली। लेकिन वो बेचैन रहती थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति वहां पर चैन में रह रहा था। बता सकते हो कौन चैन में रह रहा था? कौन है, कौन रह रहा था? कौन? जोर से बोलो ना। हाँ, आप लोग लगता है सब पंडित हो, अच्छी बात है, आप लोग सब जानते हो। कारण क्या है? कारण है विभीषण श्री
ठाकुर जी की शरण में था, भगवान की भजन कर रहा था। शिक्षा देते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर कभी हम सुख पा नहीं सकते हैं, उतना ही सुखी बनेंगे जितने प्रभु की भक्ति में डूबेंगे। ठीक है ना। इसलिए जो पहला जो श्लोक है ये मंगलाचरण में कहते, ठाकुर जी की शरण में जाने पर ये सारे चीज हमें प्राप्ति होगी। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाई, भागवत समाप्त होते ही वैकुंठ से सुंदर विमान आया। परीक्षित महाराज जो विमान में बैठे, भूर भुवह मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन को गमन किए। ब्रह्मा जी ये चीज को देख कर उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कुछ भी नहीं किया, केवल भागवत कथा सुने और सीधा कहां चले गए? गोलोक वृंदावन। ब्रह्मा जी एक तराजू लाए, तराजू का एक तरफ में ये पृथ्वी का जितने सारे सत्कर्म है, पुण्य है, तराजू का एक तरफ में धर दिए। तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा को उन्होंने धरे। जिधर भागवत कथा की महिमा को रखे, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने पुण्य सत्कर्म था सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। इसका मतलब है ये जो भागवत कथा है ना, ये कथा को सामने ये दुनिया की कोई भी पुण्य को सत्कर्म को आप कभी बराबर कर ही नहीं सकते, कभी कर ही नहीं सकते। मतलब भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ कथा है। सब हल्का हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने सारे बच्चों को बुलाए, चतुसन को, श्री नारद जी को, सबको बुलाए, बोले आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलनी चाहिए, हर समय यहाँ पर श्री भागवत कथा हो। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से जयकार लगा ना। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए कहते यद्यपि श्री नारद जी पितामह ब्रह्मा से सबसे पहले कथा सुने, लेकिन वो विधि विधान को साथ में उन्होंने चतुसन से कथा सुनी। सोनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, फिर उन्होंने विधि विधान से कथा क्यों सुनी? तब इसका कारण सी सुत गोस्वामी को कहते हैं, बोले एक दिन श्री नारद जी ये मर्त्य जगत में आए। बोले क्यों? ये मर्त्य जगत पुण्य भूमि है, क्योंकि जो भारत भूमि इसका नाम है भारत। भारत मतलब है, भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब है जो हर समय प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं, प्रभु की भक्ति की तरफ में, जो स्वाभाविक रूप में प्रभु की भक्ति की तरफ में जिनकी रुचि है। और भारत भूमि सबसे पुण्य भूमि मानी गई है। अब विशेष करके आप जो जहाँ रह रहे हैं ना, ये उत्तरांचल जो है ये तो ऋषि मुनियों का तपस स्थान है, ये ऋषि मुनियों का ही स्थली है। इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा, सभी के अंदर में जो भक्ति की भावना है ना, क्योंकि जो स्थली है ये पवित्र भूमि है, ऋषि मुनियों का भजन स्थली इधर है। इसलिए उन्होंने नारद जब यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जहां जहां गए कहीं अच्छा स्थिति नहीं देखा। उन्होंने किसी तीर्थ स्थान में गए, देखा मुसलमानों ने सारे मंदिर को तोड़ फोड़ दिए। किसी तीर्थ स्थान में गए, वहां पर भी देखा पापियों का स्थान है। घर में भी गए, वहां पर भी कली कली है। आश्रम में भी गए, वहां पर भी झगड़ा कली कली है। ये कली किसी स्थान को नहीं छोड़ा, सब जगह में कली अपना प्रभाव को विस्तार किया हुआ। सोचा चलो श्री वृंदावन धाम में चलते हैं। वृंदावन धाम भगवान की पवित्र भूमि है, भगवान की भजन भूमि, भगवान की जन्म स्थान से वृंदावन धाम है। इसलिए श्री नारद जी श्री वृंदावन धाम में गए। जब वहां पर गए, भ्रमण करते करते श्री यमुना किनारा में पहुंचे। जब पहुंचे वहां पर एक आश्चर्य घटना देखा। उन्होंने देखा एक सुंदरी एक युवती वहां पर बैठी हुई, बगल में दो एकदम बूढ़े जिनकी केस सफेद हो गया, चमड़ा ढीली पड़ गई, दोनों वृद्ध लेटे हुए, और कुछ कुछ सुंदरी सुंदरी युवतियां वो जो बीच में बैठी हुई एक किशोरी उनकी सेवा कर रही थी।
जब नारद जी वहां पर पहुंचे, वो सोच रहे थे वृंदावन कहीं सत्संग होता होगा, लेकिन देखा सत्संग नहीं, वहां तो रोना धोना है। फिर नारद जी वहां से भगे। इतने में वो जो बीच में एक किशोरी बैठी हुई थी, बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अविनाशय। बोले हे साधु बाबा, बड़े भाग्य से कहीं संतों का दर्शन मिलता है, और जीवन में जब किसी संतों का दर्शन मिल जाए, समझना क्या है, हमारा जीवन कल्याण हो गया, जीवन हमारी उद्धार हो गई। इसलिए आप लोग रामायण सुने होंगे, जब श्री हनुमत लाल जी लंका में पहुंचे, वो माता सीता को ढूंढ रहे थे, माता सीता जी कहां पर है, हठात उन्होंने के तुलसी बगीचा देख करके उतरे, फिर देखा सामने रामांकित भवन है, घर के सामने लिखा हुआ श्री राम शंख चक्र गदा पद्म। बोले वाह, ये तो मेरे सारे प्रभु का लक्षण दिख रहा है। हाँ देखो, एक चीज को अच्छे तरह समझो, अभी प्रश्न है, ये लंका को अंदर में वो विभीषण का घर था, ये लंका को अंदर में श्री विभीषण, फिर ये श्री राम का नाम कैसे लिखा। एक बहुत अच्छे शिक्षा विभीषण दिया, किसने जाकर के रावण को चुगली किया, बोले तू तो राम को अपना शत्रु मानते हो, बोले हाँ, बोले तेरे घर में तो राम का सबसे बड़ा भक्त तेरे घर में बैठा हुआ, बोले कौन है, बोले तेरे सगे भैया, बोले सगे भैया, बोले कौन, बोले से विभीषण। इतने में रावण दौड़ दौड़ कर आया, सचमुच से देखा लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण तुम मेरे राज्य में रह करके मेरे शत्रु का नाम लिखा, बोले कहां पर, बोले ये क्या लिखा, श्री राम। देखो विभीषण क्या शिक्षा देता है, बोले कहां श्री राम दिख रहा है, बोले क्या लिखा हुआ, बोले मैं अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूं ना, इसलिए उनका नाम लिखा। बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या है, बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या बताओ, क्या है, रा। और भाभी का नाम मंददरी, उसका पहला अक्षर क्या है, म। बोले श्री राम, श्री रावण और मंददरी। पास रावण तो खुश हो गया। हाँ देखो, यहाँ पर एक सिखा दिया है, ये दुनिया ऐसे है, ये दुनिया ऐसे है। अगर बेटा अगर शराब पी रहा है ना, सिगरेट फूंक रहा है, वेरी गुड, बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर बेटा थोड़ा तिलक लगाए, कंठी माला, भगवान भजन करे, बोलेगा ये कोई उम्र है भजन करने का। पत्नी अगर थोड़ी सी भक्ति करे सत्संग में आकर के, हैं, अगर थोड़ी कर गीता भागवत पढ़े, ये क्या कौन से बाबा की चक्कर में तुम पड़ गए हो, हैं, ये सब गीता रामायण क्या पढ़े। ये दुनिया ऐसे है ना, आप कोई अच्छे काम कर दो आपको करने नहीं देंगे, लेकिन जो भक्ति करने वाले है ना, उनको विभीषण से ये सीखा उनको ग्रहण करनी चाहिए। इतने में श्री हनुमान जी ने सोचा, मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रहे, क्योंकि ये राक्षसपुरी है। जब उन्होंने अंदर में प्रवेश किया, देखा श्री विभीषण लेटा हुआ, जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम का नाम निकल रहा था। बोला हाँ, ये पक्का भगत है, क्योंकि किसी कपटी व्यक्ति का रोम रोम से कभी प्रभु राम की नाम नहीं निकल सकता है, उसी की ही रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, जो संपूर्ण प्रभु के प्रेम में सराबर हुआ हो, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो। फिर श्री हनुमान और विभीषण की साक्षात्कार हुई। जब श्री विभीषण को पता चला हनुमान कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त है, तो विभीषण कहता है, आज मोई भा भरसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह किए तो मई दरस अठे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, चारी तरफ में जहाँ राक्षस राक्षस गिरे हुए, उसको बीच में राम का सबसे प्यारे श्री हनुमान जी मिलेंगे, मेरे को तो कभी विश्वास नहीं कर सकता था। लगता है मेरे ऊपर में आज प्रभु राम की कोई कृपा है, तब आज हमें संत दर्शन मिला। और जब संत दर्शन मिल जाए, क्या समझो, आज मैं भा भरसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, मुझे तो लगता है प्रभु राम हमें जल्दी जल्दी प्रभु राम का दर्शन हो जाएगा, जल्दी जल्दी श्री राम की दर्शन हो जाएगी। देखो इतने में श्री हनुमान जी सारे बात को बताया, मैं माता सीता जी की ढूंढने के लिए यहाँ पर आया। तब श्री विभीषण ने कहा, देखो
जाओ तुम अशोक वाटिका में माता सीता है वहीं पर तुमसे मिलो। विभीषण कहता है देख हनुमान तेरे लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे लिए भी एक काम करना। विभीषण ने कहा बताओ। बोले तेरे पास में विभीषण तेरे पास में पिता है और मेरे पास में माता है। तेरे पास में पिता कौन है? राम। और मेरे पास में माता कौन है? सीता है। लेकिन जब तक दोनों का मिलन नहीं होना तब तक पूरी नहीं होता है। पिता माता मिले तभी तो पूरी होना। मैं एक काम करता हूँ तेरे को माँ से मिला देता हूँ, लेकिन तू एक काम करना मेरे को तुम पिताजी से मिला देना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने माता जी से मिला दिया। जब मिला है अभी विभीषण ने रावण को समझाने के लिए गया थे हम पुलस्त्य ऋषि के वंशज हैं, परस्त्री पराय स्त्री को चोरी करना ये हमारी धर्म नहीं। राम साक्षात भगवान, माँ सीता ये साक्षात लक्ष्मी, जाओ उसको वापस देखेगा। लेकिन रावण ने किया क्या, ठोकर मार कर विभीषण को भगा दिया। लेकिन जब उसने भगाया अभी विभीषण प्रभु राम की शरण में आया। जब शरण में आया बंदर लोगों ने पूछा तू कौन है, तू है कौन? उसने परिचय दिया मैं रावण का छोटा भैया। जितने बंदर थे ना सबके सब बांध करके रस्सी में उनको बांध करके लेकर के आए राम के पास में। जब राम के पास में बांध करके आए अभी विभीषण ने सोच रहा है मैंने हनुमान को बताया था मैं माँ से मिलाया तेरे को और तू मेरे पिताजी से मिला देना। मैं आया तो देखो ये बंदर लोग मेरे को बांध बूंद करके लेकर के आए। इतने में देखा हनुमान जी बैठा हुआ, उसको देख कर उसका कलर तो ऊंचा हो गया। क्यों? देखा हमारे कोई परिचित व्यक्ति यहाँ पर है, कोई परिचित व्यक्ति यहाँ पर हमारी है, उसका कलर तो ऊंचा हो गया। इतने में हनुमान जी ने कहा ठीक ठाक हो? बोले बात मत करना, चुप रहो। बोले क्यों? बोले तुमने लंका में आया था और मैंने तुमको माँ से मिलाया और मैंने कहा था पिताजी से मिला देना, देखो मेरे को कैसे बंदर लोग बांध बूंद करके आए। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीखा है। हनुमान ने पूछा ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया है? बोले मैंने अपना परिचय दिया हूँ मैं रावण का छोटा भैया हूँ। बोले इसलिए तो बांध रूप मिलाए, रावण तो प्रभु का शत्रु है ना, अब तुम परिचय दिया रावण का छोटा भैया। हाँ अगर तू इतना बोल देता हनुमान का मित्र आया है, हनुमान जी की मित्र आया है, हनुमान मेरे मित्र तेरे को स्वागत करके प्रभु के पास में मिला देते। लेकिन पहले तुमने अपना परिचय तुमने गलत बता दिया। हाँ यहाँ सिखा देते हैं अगर हम अपना परिचय किसी संतों की अनुगत्य में, हम कौन है? संतों का सेवक का सेवक का सेवक है। अगर ये परिचय दे देना भगवान कहते हैं वो जल्दी से जल्दी मुझको प्राप्त कर लेता है, जल्दी से जल्दी मुझको वो प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर श्री जब श्री नारद जी आए भक्ति देवी ने पूछा तुम कौन हो है? इतने में नारद भक्ति से पूछे और भक्ति देवी नारद जी को कह रहे हैं बोले नारद जी बड़े भाग्य से कई संतों का दर्शन मिलता है और आ करके तुम फिर वापस जा रहे हो। फिर नारद जी बोले आप कौन हो? बोले क्या भूल गए हो? कहते मैं भक्ति हूँ और ये जो दोनों बेटे हैं ना मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। हाँ देखो यहाँ शिक्षा देते हैं भक्ति की दो बेटे हैं, कौन कौन है? कौन कौन है? ज्ञान। देखो आप लोग जब कथा से जाओ ना, जो कथा सुन करके जा तो घर में भी सुनाना, अपना बच्चों को सुनाना, नहीं तो पति को सुनाना, अपना परिवार को कथा सुनाना, ठीक है ना? ऐसे नहीं कथा यहाँ सुने और गए और अपना कपड़ा को झाड़ करके साड़ी को कथा यही रख कर गए, नहीं। यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जानी चाहिए, खाली हाथों से यहाँ नहीं जानी चाहिए। कहते भक्ति की दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले भक्ति की दो संतान होनी चाहिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य। फिर प्रश्न करते हैं बोले भैया ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम से भक्ति से मिलते हैं, ज्ञान से नहीं मिलते हैं और वैराग्य से भगवान नहीं मिलते, प्रभु केवल भक्ति से मिलते हैं। प्रश्न है फिर ये भक्ति के दो बेटे कैसे हो गए ज्ञान वैराग्य? हाँ देखो
यहाँ पर जो ज्ञान है, ज्ञान दो तरह का ज्ञान है। कहते एक है तो ब्रह्म ज्ञान, जो व्यक्ति कहते हैं हम ही भगवान है, नमो नारायण, हम ही वही नारायण है। नहीं, इससे भगवान नहीं मिलते हैं, जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ये ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं। फिर कौन सा ज्ञान? बोले यहाँ पर प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त ज्ञान है, जिसको द्वारा प्रभु की प्रेम बढ़े, प्रभु की भक्ति बढ़े, ये ज्ञान उनके बेटा है। इसलिए बोले वैराग्य, बोले वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो बोले वैराग्य उनके बेटे है, यहाँ वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक अनुराग, विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में प्रेम, ये वैराग्य मतलब, ये शुष्क वैराग्य नहीं। इसलिए वैराग्य चार तरह का वैराग्य बताया, एक है मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य। बंदर देखे हो आप लोगों ने? देखे हो? देखना उसका कोई घर मकान नहीं है, वो नंगा रहता है, जो मिलता है वही खा लेता है, लेकिन बड़ा कामी होता है, ऐसे वैराग्य नहीं चाहिए। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य, जैसे जब एक व्यक्ति मरता है उसको जो जलाने के लिए ले जाए ना, थोड़ी समय के लिए उसको वैराग्य होता है, संसार कुछ नहीं, झूठा है, क्या लेकर गया, कुछ भी लेकर नहीं गया, और उसको डंडा मार मार कर फोड़ फोड़ करके जलाते हैं, सोचता है संसार झूठा है और ये संसार नहीं। और कंधे पर जब ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं कंधे में, कंधे पर जब ले जाते हैं जला, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले सचमुच से संसार में कुछ नहीं, हरि का नाम ही एक सच्चा, जगत में और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब घर में वापस आता है, जब बच्चे, पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोल देती है, बच्चा आकर गोद में चढ़ जाता है, पापा उपा बोले, सारे वैराग्य खत्म। कहते ये वैराग्य नहीं चाहिए। तीसरा वैराग्य है फल्गु वैराग्य। एक फल्गु एक नदी है, आप नदी में देखना वो ऊपर ऊपर से सूखा सूखा है, लेकिन थोड़ी सी अगर मिट्टी रेती हटाओगे देखो उसका अंदर में पानी बहती है, मतलब ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में भोग की स्रोत बह रही है। बोले इससे भी जीव का कल्याण नहीं है। पंचमा वैराग्य बताए हैं प्रसव वैराग्य। माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, बड़ा कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, सोचती है और बच्चा जन्म नहीं देंगे, और संसार नहीं, बच्चे का जब मुंह देखते हैं कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं। हाँ, कभी ये वैराग्य से जीव का कल्याण नहीं। एक वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब होता है जितना जरूरत है शरीर निर्वाह के लिए उतना ग्रहण करो और भगवान की भक्ति करो, भगवान को प्रेम करो, भगवान को भक्ति करो। इसलिए वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग है। इसलिए ये ज्ञान की, ये भक्ति की दो बेटे हैं, एक ज्ञान है एक वैराग्य। मतलब है अगर भगवान को भक्ति करना चाहते हो वो दो बेटे हमारी होनी चाहिए। इसलिए अभी श्री हैं श्री भक्ति देवी कहती हैं, बोले नारद जी, बोले उत्पर्णा द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता, कोचीत कोचीत महाराष्ट्रे गुर्जरी जिर्णताम गता। बोले उत्पर्णा द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़ देश में तो मेरी जन्म हुई, कर्नाटक में तो बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भी मेरे को कहीं कहीं आदर मिली, लेकिन जब मैं गुजरात में गई एकदम बुरी हो गई। बोले क्यों? बोले वहां पर नास्तिक लोग रहते थे, किसकी घर में तुलसी नहीं, कहीं ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं, अगर कोई कंठी तिलकधारी चोटीधारी आ गए ना, उसको पीछे इतने पड़ जाते थे, जब तक उसका देश से खदड़ नहीं दे उनको तब तक उसको नहीं छोड़ते थे। इसलिए कहते मैं गुजरात में जा करके मैं बूढ़ी हो गई, बड़ा नास्तिक देश था, लेकिन अभी आप गुजरात जाओ, सबसे ज्यादा भक्ति की परिवेश आप दूसरी गुजरात में मिलेगा। बोले क्यों? बोले वहां पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हुए हैं, तुकाराम, नरसिंह भगत, श्री बल्लभाचार्य, विठलनाथ, ये बड़े 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 संत महापुरुष वहां पर जन्म हुए। जहां पर संत महापुरुष जन्म होते हैं
वो स्थान उनकी प्रभाव से वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए वो स्थान अभी सबसे बड़ा पवित्र श्री गुजरात बन गया है संतों की कृपा से। वो कहती है जलगिरी जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में तो मैं हो गई जीवती। बोले जीवती क्यों हो गई? कारण क्या? बोले जो वृंदावन है वो राधा रानी की धाम है। वो वृंदावन नहीं, वो राधा रानी अपना हृदय को उन्होंने बिछा करके रखे है। उसका नाम वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहां पर श्री तुलसी की वन हो। इसलिए हर घर घर में तुलसी होनी चाहिए। घर में तुलसी है कि नहीं? जिसको घर में तुलसी वृक्ष है ना, वहीं पर समझो वृंदावन है। बोले तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावन निच। इसलिए हर घर घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए। और वृंदा मतलब भक्त वृंद, अवनी मतलब जहां पर भक्तों को स्थान देती है श्री वृंदावन धाम है। आप लोग कौन कौन वृंदावन गए हो? हाथ उठाओ तो कौन कौन वृंदावन गए? इतने लोग गए और कोई नहीं गए वृंदावन में? भगवान आप बताओ कौन 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 जाना चाहते हो वृंदावन? हाथ उठाओ कौन कौन जाना चाहते हो? आप सबको हम वृंदावन ले चलते, अब सबको हम वृंदावन ले जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल। रस बरसत घन घोरी